बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम, बहुत ही मज़ेदार। और इस आइसक्रीम के अंदर हम कंडेंस मिल्क भी साथ ही बनाएंगे। तो चले हम चलते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। ये कंडेंस मिल्क का सामान मैंने ले लिया है। इसके अंदर हम हाफ कप पाउडर मिल्क ले लेंगे, हाफ कप हमने चीनी ली है और हाफ कप ही हम इसमें दूध ले लेंगे, जो आम दूध होता है वो। तो अब हम क्या करेंगे, एक बोल ले लेंगे। बोल लेने के बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे और दूध ऐड कर देंगे। और जब इस दूध के अंदर हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। अभी हम इसको चूल्हे पर रख देते हैं पकने के लिए। ये देखें, ये हमारा दूध और चीनी एक जान होना शुरू हो गया है। तो इसकी हमें चीनी बिल्कुल मेल्ट कर देनी है। अब मेल्ट हो गई है, अब हम इसके अंदर पाउडर मिल्क शामिल कर देंगे। ये देखें, ये हाफ कप मैंने पाउडर मिल्क ले लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा, अब हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। पाउडर मिल्क को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद अब इसे 2 मिनट चूल्हे पे रहने दीजिएगा ताकि ये अच्छा सा हमारा पक जाए। तो ये हमारा तैयार हो गया है कंडेंस मिल्क। अब इस कंडेंस मिल्क से हम बनाएँगे आइसक्रीम। तो मैंने आपको इस रेसिपी में कंडेंस मिल्क की भी रेसिपी दी है, तो आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम रखना हो तो आप कंडेंस मिल्क कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हम अपने घर में बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से भी मीठा रख सकते हैं। वैसे इस आइसक्रीम के अंदर मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम ही होता है। ये देखिए, हमारा कंडेंस मिल्क कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसको किसी बॉल में निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये मैंने 2 कप फ्रेश क्रीम ले ली है, बड़ा पैकेट मैं ले लेती हूँ। तो ये 1 कप मैंने बॉल में डाल दी थी और ये 2 कप मैंने बॉल में डाल दिया है। बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल चिल होनी चाहिए आपकी जो क्रीम है, इससे ये फेंटती बहुत अच्छी है। तो इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा रखिएगा, आप फ्रीज़र में से ही निकालिएगा इसको। बड़ा पैकेट मैं ले लेती हूँ तो वो काफ़ी चल जाता है। और 1 कप मैंने मैंगो प्यूरी ले ली है, 1 बड़ा आम मैंने ले लिया था और इसको छिलका उतार के कट करके मैंने ब्लेंडर के अंदर पीस लिया है। और हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। तो ये कंडेंस मिल्क देखें, ये मैंने जो अभी आपके सामने बनाया है, हाफ कप कंडेंस मिल्क हमें मिला है। तो ये हम अपनी आइसक्रीम के अंदर शामिल कर लेंगे। मीठा आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखें, ये मैं क्रीम को बीट कर रही हूँ। क्रीम को बहुत ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़्यादा कि हल्की हल्की सी बर्फ़ भी इसमें रहे तो भी चलेगा, बस क्रीम का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। बस ये देखें, ये हम बीट करते जा रहे हैं और हमारी क्रीम डबल होती जा रही है। बॉल मैंने थोड़ा सा छोटा ले लिया, आगे चल के मैं बड़ा बॉल ले लूँगी। तो जब तक इसमें मिक्स हो रहा है हम मिक्स कर लेते हैं। तमाम काम हम बीटर से ही करेंगे इसके अंदर। अब ये देखें, हमारी क्रीम डबल हो गई है। ये देखें, इस तरीके से गिरना नहीं चाहिए, इसका मतलब है हमारी क्रीम तैयार हो गई है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से यकजान कर लेंगे बीटर की मदद से। आप ये तमाम प्रोसेस हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। और ये मैंने मैंगो प्यूरी भी इसमें डाल दी है। 1 कप पूरी मैंगो प्यूरी आप ले लीजिएगा, 1 बड़े आम से पूरी 1 कप मैंगो प्यूरी बनती है। तो बस हमने अब 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बीटर के मदद से ही। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। बॉल थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से हर चीज़ को मिक्स कर सकें। ये देखें, ये हमने इसके अंदर मैंगो प्यूरी को भी अच्छा सा मिक्स कर लिया और कंडेंस मिल्क को भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये कलर ले लिया है हमने, फूड कलर है ये हम 3 चुटकी इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें आप ज़रदा कलर भी डाल दीजिएगा। ज़रदा ही कलर ज़्यादा सही रहता है क्योंकि फूड कलर बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। ज़रदा ही कलर आप 2 चुटकी डालेंगे तो वही काफ़ी हो जाएगा। तो मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है, मगर आप ज़रदे का जो कलर होता है, जो हम ज़रदा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं अच्छा सा इसको मिक्स कर ले रही हूँ कलर डालने के बाद। अभी बहुत लाइट हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़रदे का कलर भी डालूँगी ताकि हमारी जो ये आइसक्रीम है उसका बहुत अच्छा सा मैंगो कलर आ जाए। ये देखें, ये मैंने एक जान कर लिया है, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था इसी तरीके से। इसको मैंने दूसरे बॉल में शिफ्ट कर लिया, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो ये जो मेरी आइसक्रीम है बहुत ठंडी हो गई है। अब मैं इसको 1 दफ़ा और बीट कर लूँगी ताकि हमारी बहुत अच्छी सी आइसक्रीम तैयार हो। ये बिल्कुल ठंडी हो रही है, मैंने इसको दोबारा बीट करना है।
ये देखें, ये मैंने बीटा ले लिया है। बड़े बॉल में कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी सी बीट हो जाएगी और नीचे गिरेगा भी नहीं। ये देखें, ये मैंने बीटर से बीट कर लिया है एक दफ़ा, और 3 घंटे आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद दोबारा बीटर से बीटर कर लीजिएगा। अब हमने बीट करने के बाद इसको हम अपने जिसमें भी हमें जमाना है उसके अंदर निकाल लीजिए, जिस भी बॉक्स में आपको जमाना है। तो हम इसके अंदर जमा लेते हैं और इसको आप ओवरनाइट रख दीजिएगा तो ये बहुत अच्छी सी जम जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा हार्ड चाहिए तो आप इसका जो कवर है एक दिन के बाद कवर हटा दीजिएगा, तो एक दिन और आप बगैर कवर के रखेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड जमेगी। वैसे तो ये आइसक्रीम होती ही सॉफ्ट है, बहुत हार्ड नहीं होती है। आप लोगों ने बाज़ारों में खाई होगी, तो ये हमने घर में बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी में आपको दे रही हूँ मैंगो आइसक्रीम की। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान कम इंग्रेडिएंट्स में हमने ये तैयार की है। तो ये हमने बॉक्स में डाल लिया है, अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर मैं आपको दूसरे दिन दिखाऊंगी कि हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। तो आप लोग अब से आइसक्रीम घर में ही तैयार कीजिएगा, बहुत ही आसान बहुत ही कम कीमत में हम ये चीज़ें अपने घर में बना सकते हैं। सबसे अहम बात, बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और ओवरनाइट हम इसको रख देते हैं। ये देखें, ये दूसरा दिन हो गया है हमारी आइसक्रीम को। अब हम इसको निकाल लेंगे स्कूप की मदद से। स्कूप को आप हल्का सा गर्म पानी में डिप कर लीजिएगा, उसके बाद आप स्कूप की मदद से निकाल लीजिएगा, बहुत आराम से ये निकल जाएगी हमारी आइसक्रीम। ये देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट, और आप इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना ही अच्छा आया है। तो आप लोग अब से घर में आइसक्रीम बनाएं और सब इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसमें आप अपने हिसाब से मीठा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो कम मीठा कर लें, या अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मीठा कर लें। ये देखें, ये हमने कितने अच्छे स्कूप्स निकाल लिए हैं आइसक्रीम के। मैंगो आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। इसमें हमने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फ़ीडबैक आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको लोगों को मेरी ये आइसक्रीम कैसी लगी। तो मैं कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।